सो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का डेविल एंड एंजल विंग्स कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो अगर आपको भी अपना फोटो को जिस तरह का पिक्सेल एप्लीकेशन की मदद से एडिट करना है तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और कुछ ही देर में मैं यहाँ पे जो स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एडिट फोटो पे क्लिक कर देना। फिर आपके सामने यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना तो आपके यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएगा। नेक्स्ट आपके यहाँ पे जाना है ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे और ऐड फोटो पे आने के बाद आपको अपने फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। आप चाहे तो इस तरह का पोज भी दे सकते हो। और ये वाला फोटो का जो बैकग्राउंड है मैंने ऑलरेडी इरेज कर लिया था। अगर आपको फोटो कट आउट करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी इस तरह से अच्छे से मिडिल में एडजस्ट करने के बाद यहाँ से डन बिल्कुल ही मत करना, यहाँ पे कहाँ पे भी पहले आपको टैप कर देना है तो आपके सामने फिर से यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो सिंपल आपको फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर के विंग को ऐड कर लेना है और सारे बैकग्राउंड और पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देखने का डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको ओनली वन पार्ट को क्रॉप कर लेना है जो लेफ्ट साइड का है और यहाँ से डन। और इसे क्रॉप करने के बाद इस तरह से एडजस्ट कर लेना। फिर आपको ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करके मूव डाउन पे क्लिक कर देना है तो ये जो विंग है ये पीछे चला जाएगा, आपको यहाँ पे एरेस करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसे मैं कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहीं पर कहाँ पर भी टैप कर देना है और फिर से आपको ऐड फोटो पर यहीं से जाना है और इस बार आपको यहाँ पे व्हाइट वाले विंग्स को भी ऐड कर लेना है। और इसे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से क्रॉप वाले ऑप्शन में जाना है, इस बार राइट विंग को क्रॉप कर लेना और इसे भी मूव डाउन करके अच्छे से एडजस्ट कर लेना। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे परफेक्टली एडजस्ट कर लिया है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ टर्न। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दोबारा से ऐड फोटो पे जाना है और इस बार आपको यहाँ पे एक थंडर का पीएनजी मिलेगा उसे ऐड कर लेना। और अगर आपने यहाँ पे गॉगल्स पहना होगा तो इस पर यहाँ पे एडजस्ट कर लेना और इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर देना और ओनली आपको इस तरह से अप्लाई कर लेना है इस वाले पार्ट पे। अप्लाई करने के बाद यहाँ से कर लेता हूँ डन। और इसका ओपेसिटी चाहे तो आप यहाँ पे कम कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ लगभग 50% के आसपास और यहाँ से कर लेता हूँ डन। फिर आपको यहाँ पे जाना है ड्रॉ टूल पे और ड्रॉ टूल पर आने के बाद सबसे पहले तो आपके यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इस इमेज को सेव कर लेना है, सेव इमेज पे क्लिक करके तो ये सेव हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक सॉफ्ट लाइट पीएनजी बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे वाला आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेना डन। ऑरेंज और येलो के बीच में रखना और यहाँ पे जो इफेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके कर देना एक्स बार। और ये स्टेप को आपको वापस से फॉलो कर लेना है सेम टू सेम। यहाँ पे क्लिक करके पहले एम्प्टी लेयर क्लिक कर लेता हूँ, कलर को येलो और इफेक्ट को एक्स बार। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे एक पीएनजी बन के आ जाएगा, इसे आपको 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेना है। तो ये भी हमारा सेव हो गया। तो ये सेव हो जाने के बाद हम यहाँ पे इसे डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो इसका काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको फिर से यहाँ पे बैक कर देना और एक नए बैकग्राउंड को पिक्सेल एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सेल एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे और ऐड फोटो पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक येलो फ्लेयर को ऐड कर लेना है और इसे इस वाले पार्ट पे एडजस्ट कर देना। फिर आपके यहाँ पे जो ब्लेंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है और ब्लेंडिंग को आपको कर देना है स्क्रीन। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का ग्लो आएगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना तो इसका एक और डुप्लीकेट लेयर आ जाएगा। इसे आपको यहाँ पे एडजस्ट करना और यहाँ से डन कर देना। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं फिर से ऐड फोटो पे और इस बार हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं उस वाले पीएनजी को जो अभी हमने सेव किया था मॉडल और विंग्स का। और इसे जूम करके हम यहाँ पे इस वाले पार्ट पे एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। ज़्यादा बड़ा या फिर छोटा मत कर देना, मैं यहाँ पे जितना रख रहा हूँ आपको भी सेम रखना है। और ये वाला पार्ट में जो है थोड़ा सा गैप आ गया लेकिन मैं इसे कवर कर लूँगा तो मैंने एडजस्ट कर लिया, यहाँ से कर लेता हूँ डन। अभी जब मैं यहाँ पे ड्रॉ टूल पे जाके यहाँ पे एक ब्रश अप्लाई कर लेता हूँ ब्लैक कलर का जिससे कवर हो जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर आपने विंग्स को परफेक्टली एडजस्ट करोगे तो मैंने तो यहाँ पे इसे कर लिया, यहाँ से मैं कर लेता हूँ डन। तो देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे और इस बार हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस वाले पीएनजी को। और इसे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जूम करके सेम टू सेम आपको एडजस्ट करना है जैसे हमने पहले एडजस्ट किया था, इसके साथ बिल्कुल मैच कर लेना। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे परफेक्टली एडजस्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं ब्लेंड वाला ऑप्शन पे और ब्लेंडिंग को हम यहाँ पे रख लेते हैं ऐड। फिर हमें यहाँ पे एरेज वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक कर देना। फिर रिस्टोर वाला ऑप्शन पे जाके हार्डनेस को बिल्कुल कम, साइज़ अपने हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो जैसे आपको चाहिए। और जस्ट आपको फोटो के बॉर्डर्स में कुछ इस तरह से अप्लाई कर लेना है ताकि यहाँ पे ग्लो क्रिएट हो जाए जो कि काफ़ी अच्छा लगता है हमारे फोटो में। सिर्फ इसी से हमारा फोटो जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जल्दी से मैं आप इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, इसके बाद बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया, यहाँ से कर लेता हूँ डन। आप यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख सकते हो, ग्लो अप्लाई करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे ओपेसिटी रख लेता हूँ 85 और यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हम फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे और इस बार थंडर की पीएनजी को ऐड कर लेंगे और इसे जूम करके आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट पे एडजस्ट करना है और इसका ओपेसिटी रख लेता हूँ 68। फिर आपको ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना और दूसरे पार्ट को यहाँ पे राइट साइड में एडजस्ट कर लेना। तो मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड फोटो पे जाएंगे और इस बार अपने टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेते हैं।
और इसे ऐड करने के बाद आपके यहाँ पे जाना है ब्लेंड वाला ऑप्शन पे, और ब्लेंड को कर लेता हूँ स्क्रीन। और पहले तो आपके यहाँ पे इस वाले पार्ट पे एडजस्ट कर लेना है, और फिर आपको ये वाला आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना, और इसे जो आपको बस थोड़ा सा ऊपर रखना है, लेकिन इसका जो ओपेसिटी है थोड़ा सा कम रखना। मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ 60%। फिर आपको एक और डुप्लीकेट ले लेना है और इसे थोड़ा और ऊपर रखना, लेकिन इसका जो ओपेसिटी आपको रखना है 30%। और यहाँ से कर लेता हूँ डन। फिर आपके यहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन पे जाके एडजस्ट पे जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो की सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना है। टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा येलो टोन आ जाए। फिर ह्यू को जो आपको थोड़ा सा माइनस के साइड रखना है कुछ इस तरह का टोन के लिए, और शेडो को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा सा डिक्रीज, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तुम्हारा फोटो यहाँ पे फाइनली रेडी हो चुका है। इसके बाद आपके वाले अकाउंट पर क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइस, मैंने आपको काफी इजी वे में इस तरह का फोटो कैसे एडिट करते हैं बता दिया है। तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, और एक अच्छे से कमेंट भी कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।